सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, इस्लामी भैन भराओ, तो मेरे आमिल भराओ, दो दोस्तों, अज तुहानू मैं एक ऐसा वजीफा दसन लगा जे जिहड़ा मेरे अपने अमल च रहिंदा, हर वक्त मैं उहनू रखिया है, ठीक है। इसी तुहानू नाल शेयर करना, तुसीं वी इहदे नाल अपनियां मुश्किलां खत्म करो, परेशानियां दूर खत्म करो। कोई जिंदगी में परेशानी आती है तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। पढ़ते रहोगे तो अपने आप ही होंगी रहेगी, तुहानू कहने की जरूरत नहीं पेगी। तो वजीफा की जे बच्चों, रिज़्क़ फराखी भी पैदा करता है, रिज़्क़ की तंगी भी दूर करता है, अल्लाह ताला गैब चो मदद भी करता है। रिज़्क़ जी बड़ा बरकत वो पैंती जी, होर तो जो काम होंगे रिज़्क़ में बहुत बरकत पैंती जी। दौलत जो घट है, दौलत गणा करने वास्ते भी यह वजीफा पढ़िया जाता है, बुजुर्ग दिन पढ़ते आए ने। तो इंशाल्लाह तुसी पढ़ोगे तो फिर तुसी भी इंशाल्लाह ताला चाहे तो कामयाब हो जाओगे। तो पढ़ना की मेरे दोस्तों, वो है सूरह मुज़म्मल और या मुगनी का विरद। इनू 40 दफ़ा सूरह मुज़म्मल पढ़ो, 40 दफ़ा सूरह मुज़म्मल पढ़ो, और घट तो घट 1100 दफ़ा या मुगनी का विरद, जां इनू 4400 दफ़ा पढ़ो। इन 40 दफ़ा सूरह मुज़म्मल पढ़ो, या ये नाल तुसी जे तुसी ज़्यादा नहीं पढ़ सकते 1100 दफ़ा इनू या मुगनी नाल विरद पढ़ो। इको चेले बह के पढ़ना है, पहले दुरूशी पढ़ो, दुरूशी पढ़ के फिर तुसी सूरह मुज़म्मल पढ़ो 40 दफ़ा पढ़ के फिर तुसी जां ते जो तुहाडे कोल नहीं ज़्यादा पढ़े फिर 1100 दफ़ा पढ़ो। इनू जे 1100 दफ़ा टाइम तुहाडे कोल है वे बच्चो, तो फिर 4400 दफ़ा इको चेले नाल बनो, सूरत मुज़म्मल 40 दफ़ा, 4400 दफ़ा या मुगनी का विरद, तो अगे पिछे 11 11 दफ़ा दरूद शरीफ। दुनिया का जेड़ा तुसी काम करना चाहते हो ना, इंशाल्लाह ताला तुहाडा काम होएगा। दुनिया का काम है, तुहानू कहने दुनिया का जिस किस्म का काम हैगा, इंशाल्लाह यह दो वजीफे तुसी मिला के करोगे तो तुहाडा काम इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में होएगा, चंद दिन। तो तुसी जो पढ़ना है बच्चो, तो कुरान इस तरह पढ़ना है, तुसी भी अल्लाह मियां साडा कन्न ला के, अल्लाह ताला कन्न ला के कुरान सुनदा जे, तुहानू मैं दस दूं सरकार दा फरमान है। तो जो कुरान पढ़ो तो इस प्यार ना पढ़ो, आराम ना पढ़ो, झूम झूम के पढ़ो, ताकि अल्लाह ताला भी कन्न ला के सुनदा पे, तो तुसी भी, तुहानू भी पता अल्लाह ताला सुनदा, तो मैं तेरा बड़े लफाज अच्छे तरीके नाल अदा करा। तो मेरे बच्चो, जो अल्लाह ताला सुनदा पे तो फिर तुहानू कदी परेशानी, वेखो फिर अल्लाह ताला जे चीज़ आप सुनदा है तो फिर वोदिया कि बरकत हो। इसलिए दोस्तों, 11 दफ़ा दरूशी पहले, 40 दफ़ा सूरह मुज़म्मल, 1100 दफ़ा ज 4400 दफ़ा या मुगनी का विरद करना। जे चंद दिनों में तुहाडी मुसीबत ना टले, तुसी कर्ज थले आए हो, तुहाडा कर्जा ना उतरे, कुछ तुसी होर किसी परेशानी चाहो, तुहाडी परेशानी ना जाए, फिर तुसी बाबे आप नूं फोन करके कहन लो, बाबे असी इन्ने महीना हो गया पढ़ता, साडा काम नहीं होया। चंद दिनों में तुहाडी मुश्किल दूर हो जाएगी, तुहानू रब कितना कुछ सब ला देगा। जो तुसी तंग दसो, तुहानू कितना कुछ पैसे आएंगे, इंशाल्लाह घला देगा अल्लाह ताला। यह बजुर्गों ने दिन का तजर्बा शुदा अमल हैगा जी, तुहानू मैं दसदा। हुण तो सवाबी बड़े हैगे ने, पहले जमाने सवाबी कोई नहीं होंदा, लोग लाड़े लकड़ां कट्ठियां करके उदों सवाब अल्लाह ताला ला देंदा हुंदा सी, हुण तो सवाबी बड़े, दुनिया के काम ही इन्ने किन्ने, बंदा कितना कुछ कोई ना कोई अल्लाह ताला सवाब तुहाडा ला देगा। तो दोस्तों, अमल बड़ा वड्डा हैगा जे, इहनू बड़ा ध्यान नाल प्यार नाल दिल ला के पढ़ोगे तो फिर तुहानू इहदी बड़ियां खुशियां नसीब होणगियां, तो फिर तुसी कहोगे वाकई बाबे आप ने सानू अमल दस्या है तो असीं कामयाब होए हां। तो बड़े बंदे दे कामयाब होए, तुहानू मैं दसदा, यह बड़ा ही अजमूदा अमल हैगा जे, बुजुर्गां ने दीन दा। और यह मेरे अमल, तुहानू पता मैं तुहानू सूरह मुज़म्मल मेरे पीर साहब अमल सी, उन्होंने मैनूं इजाज़त दित्ती हुई है, तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत ही कारामद हैगा जी, तुहानू दसा, हर बंदे लिए हैगा, मेरे लिए नहीं, हर बंदे लिए कारामद हैगा जी। जिहड़ा 5 वजे दे नाल नमाज़ पढ़ता है उहदा तो क्या ही बात है, अगर तुसी नहीं नमाज़ फिर भी तुसी अमल जरूर करो, अमल करो, इंशाल्लाह तुहाडी मुश्किल जरूर हल होएगी,
हर किस्म की परेशानी दूर होएगी। तुहानू मैं दसदा लो बच्चों, फिर इहनू तुसीं हुण याद करके इहनू पढ़ो ते फिर बाबे आप उहनू दुआवां याद रखना। तो इस वीडियो में बच्चों सबसक्राइब भी करो और लाइक भी करो, शेयर भी करा करो। तो फिर अस्सलाम वालेकुम जी।